मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे तो आज उन्हें वापस जाना है, तो उन्हीं के लिए मैं खाना बना रही हूँ, एक टिफ़िन पैक करके दे रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए। आप में से भी कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम ट्रैवल पे जाएं तो किस प्रकार की सब्ज़ी बनानी चाहिए, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट शेयर कर सकते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें मूँगफली डालेंगे और इन्हें स्लो फ्लेम पर भुनने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैंने सूखा धनिया, सौंफ और जीरा लिया था, साथ में साबुत लाल मिर्ची। इसको स्लो फ्लेम पर भूनकर इसे थोड़ा सा दानेदार कूट लेंगे। अब इस तेल में से मूंगफली निकालकर इसमें डालेंगे राई, जीरा, थोड़ा सा हींग और कलौंजी और थोड़ी अजवाइन। फिर करी पत्ता डालेंगे खूब सारा और उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू डालकर रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, रेगुलर नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, ये सारे मसाले डालकर फुल फ्लेम पर इनकी भुनाई करेंगे। और जो साबुत हरी मिर्ची मैंने डाली है ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अंत में एक टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे और ये भुनी मूंगफली डालकर वापस से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये टेस्टी चटपटी सब्जी ट्रैवल में जाने के लिए तैयार है, बहुत स्वाद बनती है। आप इसे अपने घर में बनाना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है ये। तो इनके साथ ना मैं पूरी भी बनाऊंगी और उस पूरी की रेसिपी भी आपको दूंगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ये आलू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, मसालेदार, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट्स आते हैं मुझे कई बार कि जब भी हम पूरियाँ बनाते हैं हमारी पूरी फूली फूली तो बिल्कुल नहीं बनती, एकदम फटी हुई बनती है, प्लस उसमें तेल भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखिए मेरी सारी पूरियाँ जो हैं एकदम फुली फुली है और मैंने बना रही सरसों के तेल में, ठीक है जी। तो प्योर लकड़ी घनी ब्रांड का सरसों का तेल है जो मैंने गरम किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये है हमारा आटा, पूरी बनाने के लिए हमेशा आटा सख्त बना के रखे। इस आटे में नमक है, अजवाइन है, कसूरी मेथी है, थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ा सा तेल मैंने डाला था और एक तरीके की छोटे छोटे साइज की जो बॉल से मैंने बना के रख ली है। अब हम इनको बेलेंगे, ठीक है। तो जब आप ये पूरियां बेलती हैं हल्का सा तेल लगा लें, बिल्कुल जरा सा नाम मात्र का, और फिर इन्हें आप बेलें और एकदम पतली पतली पूरियां बनाइएगा। मैं ट्रैवलिंग के लिए बना रही हूँ उन्हें, 24 घंटे ट्रैवल करना है तो काम आएंगी ये, बहुत ही बढ़िया रहती है, नेक्स्ट डे भी एकदम सॉफ्ट। तो बस ऐसे इस तरीके से बेल के ना रख लेते हैं साइड में। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे मध्यम आंच पर और एक एक करके इसमें पूरियां डालेंगे। पूरी डालते इस तरीके से करना है आपको, ये देखिए। जैसे चाहे बड़े छोटे साइज की पूरियां बना सकते हैं, काफी बढ़िया है, हमारे यहाँ यूपी में बड़ी बड़ी पूरियां बनती है। अब मैं आपको एक छोटे साइज की बना के दिखाऊंगी, बहुत ही शानदार बनती है ये। इस तरीके से घुमाएं ताकि साइड में से भी ये कच्ची ना रहे। कई बार आप देखते होंगे ना कि थोड़ा सा नीचे से साइड में से कोने इसके कच्चे रह जाते हैं, तो फिर वो नहीं रहेंगे, ये देखिए। तो जब भी आप ट्रेवल के लिए पूरी वगैरह बनाते हैं या पराठे बनाते हैं, एकदम पतले पतले बनाना, उससे ना ये 2 से 3 दिन तक भी एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो मुझे ये खाना 24 घंटे के लिए बना कर देना था, इसलिए मैंने पूरी एकदम पतली पतली बनाई है और फ्लेवर्स के लिए मैंने इसमें अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, जिससे पूरियाँ अच्छी लगती है। इनकेस अगर सब्जी खराब भी हो जाए तो पिकल के साथ आप इन पूरियों को इंजॉय कर सकते हैं या फिर एक कप चाय के साथ, मज़ेदार लगती हैं ये। तो इस तरीके से आप पूरियाँ नॉर्मल भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी पूरियाँ कितनी फुली फुली बनी है, बड़े साइज की हुए छोटे साइज की एकदम शानदार बनती है ये। और ये हमारी सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट लगती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, ये देखिए। अब मेरी ना थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, लाइक गेस्ट गए हैं ना तो आप समझ सकते हैं कैसा लगता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।